मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शनिवार को MSI इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आगजनी जैसी आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और विद्यालय के पूरे स्टाफ और छात्रों को आग से सुरक्षा और बचाव के संबंध में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि आग कैसे फैलती और आग फैलने से पहले क्या कार्रवाई की जानी चाहिए उसको प्रचार प्रसार के जरिए बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत एक दिन में 4 स्कूलों में मॉक ड्रिल व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 50 विद्यालयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने कहा, आग लगा दिया गया है। आप लोग देखिए, अभी हमारे अधिकारी सिलेंडर में आग लगता है, सिलेंडर में जब भी आग लगता है तो घबराहट में सिलेंडर को गिराता है। सिलेंडर को गिराना है, देखिए बाल्टी से बुझाया जा रहा है। देखिए आग बुझ गया, माननीय मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यालयों को में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और वहाँ पे पूरे स्टाफ को और बच्चों को सुरक्षा के संबंध में और बचाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है और जो उपकरण लगे हुए हैं फायर फाइटिंग के उसके संचालन की जानकारी और आग कैसे फैलती है और फैलने से पहले आग लगने से पहले क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और कभी ऐसी स्थिति आ जाए आग लग भी जाए तो त्वरित कार्रवाई क्या करने हैं इसके बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वैसे ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो हम लोग का हमेशा अनवरत चलता रहता है, 12 मास साल में हमेशा चलता रहता है और सभी संस्थानों में चलता है, चाहे हॉस्पिटल हों, मॉल्स हों, होटल्स हों या अन्य संस्थान हैं, स्कूल हैं, सब में है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलता रहता है। लेकिन इस समय इस माह में विशेष तौर पर हम लोग ये अभियान सिर्फ स्कूलों में ही चला रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कूल चिन्हित हैं, तो एक दिन में करीब 4 स्कूल को हम लोग मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण दे पा रहे हैं। तो ये अभियान लगातार चल रहा है जिसे जागरूक किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, उपकरणों को चलाने की जानकारी दी जाए, किसी प्रकार कैसे आग लापरवाही से लगती है उसके बारे में जागरूक किया जाए, इस तरह से एक प्रचार प्रसार चलाया जा रहा है जिससे इसका लाभ लोगों को मिल सके और अगर ऐसी स्थिति कभी आए तो त्वरित कार्रवाई करके इस आपदा से जल्दी से निजात पाया जा सके। सर अभी तक कितने स्कूलों में ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है? अभी ये 4-5 दिन से चालू हुआ है और एक दिन में करीब 4 विद्यालय कवर हो पा रहे हैं और ये लंबे समय तक चलेगा और 50 के बाद भी हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तो प्रथम चरण में हम लोग 50 विद्यालय को प्रशिक्षण दे रहे हैं,
और पहले भी बहुत विद्यालयों को मेरे द्वारा प्रशिक्षण स्टाफ द्वारा दिया जा चुका है, और लेकिन आगे भी ये चलता रहेगा, ये अनुरत रहेगा।